अगर एक कौम में और एक फर्द में अपनी नफ्स के ऊपर सबर करने का जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है, नियत नहीं है, कसद नहीं है, इरादा नहीं है, हालात पर सबर करने के लिए नियत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, इंटेंट नहीं है, रिसोर्सेस पर सबर करने के लिए नियत नहीं है, इरादा नहीं है, कसद नहीं है, अजम नहीं है, और वो महज एक कंप्लेन बॉक्स और क्रिटिसिज्म की एक बाप बन चुका हुआ है उसका, अगर वो सबर नहीं कर सकता, वो किसी स्टेशन की लेंथ पे सबर नहीं कर सकता। बास स्टेशन 6 महीने के होंगे तुम्हारी लाइफ में, बास 6 साल के, कुछ 10 साल के होंगे, उस स्टेशन को अगर वो सबर नहीं बख्शा गया तो यू विल फॉल डाउन इन दैट वन एंड यू विल नॉट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वन। तो अक्सर तहरीकें, अक्सर तकमीलें, तकमीलात, तजमीलात, तहसीनात और तशरीफात और तकरीमात इसलिए अधूरी रह गई इस दुनिया में कि उनमें सबर नहीं था टुवर्ड्स द कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ये अल्लाह की दुनिया है, इसमें एक एलिमेंट आपके हाथ में है, बट द डिजाइन एंड द पैटर्न इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, ही विल गो अलोंग विद यू अना इन द जन्नी अब्दी बी के तहत, अल्लाह से मैं तेरे गुमान के मुताबिक, लेकिन ये एक ड्यूअल रिलेशनशिप है, यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट, और एक स्टेशन से दूसरे से तीसरे से चौथे में अपने मिड 15 से लेके मिड 20s में एंड फ्रॉम मिड 20s टू मिड 30s इसके अंदर जितने भी पैटर्न्स होंगे, अगर उसमें ये एक बड़ा आर्टिकल जिसमें से कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, फॉलिंग डाउन एंड गोइंग फॉरवर्ड, डिसिप्लिन जो हमारे कायदे आजम का जो बड़ा आर्टिकल है उसमें से डिसिप्लिन फॉल्स इनटू सबर, अगर हब्स और नफ्स नहीं है, इफ यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक, कहां बोलना है कहां नहीं बोलना, कहां रखना है कहां नहीं रखना, कहां एस्टैब्लिश कराना है कहां एस्टैब्लिश नहीं कराना, कहां मैनिफेस्ट करना है कहां मैनिफेस्ट नहीं करना। शरीयत को नाजिल करने का सबसे बड़ा इंसेंटिव वज़ शय अला मौज़ई है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस, पुटिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस एज वेल। अगर ये एलिमेंट नहीं होगा, इल्म उरूज का भी हो, इल्म उरूज पर भी हो, वो कौम कौम नहीं बन सकती, वो कौम बढ़ नहीं सकती, वो एक लेवल पे आके इस जिंदगी के आर्केड मोड के अंदर एक आध स्टेशन के ऊपर ऐसी बला आगे खड़ी होगी कि वहां आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा लड़ने के लिए, क्योंकि हर जंग महज स्ट्रेटजी से नहीं जीत जाती। उसका एक बड़ा आर्टिकल अकॉर्डिंग टू अल्लाह इन फाइंडिंग दैट पोटेंशियल और अपने पोटेंशियल को उस एलिमेंट पे ले जाने के लिए जहां अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू हो, तुझे दिखेगा वो जो अभी दिख नहीं सकता किसी को, ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं होता। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज सबर एंड द सेकंड इज वकानु बियातिना यूकिनून, यकीन, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसेप्शन, रैशनैलिटी, रीजनिंग एंड डिवेल्विंग इन टू द एकेडेमिया रिगार्डिंग योरसेल्फ, दुनिया, अल्लाह, रिसोर्सेज अराउंड योरसेल्फ। इल्म एंड सबर ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिनिस्ट्री की बात आई एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, देन ही सेड हफीजुन अलीमुन, हफीजुन साबिर अगेंस्ट हिज नफ्स, अलीमुन नॉलेजेबल इनफ टू नो हाउ टू यूज द ट्रेजरी। जब सूरह असर का स्टार्ट होगा, द फर्स्ट टू आर्टिकल टू एग्जेम्प्ट योरसेल्फ आउट ऑफ खसारा इज ईमान, अमल सालेह, इल्म एंड अमल, एंड देन रीचिंग दैट पार एक्सलेंस इज तवासो बिल हक एंड तवासो बिस सबर। हक वही बयान करता है जिसमें यकीन होता है, सबर वही करता है जिसको पता है कि वो यकीन उसको कुछ लेके देगा। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके ये दो आर्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आप या तो जल्दी पहुंच जाएंगे और सोनिक अपने रिंग्स छोड़ देगा उस चैप्टर के अंदर, और अगर आप लेट पहुंचेंगे तब भी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। अगर आप सारा साजो सामान अपने इन स्टेशन में कलेक्ट नहीं करेंगे कॉन्टेम्पलेशन, तफक्कुर, तज़क्कुर, तदब्बुर के बाद के अंदर, तो आगे बड़े बड़ी बलाएं खड़ी हैं अगले स्टेशन में जो आपके नफ्स को इस लेवल का चैलेंज करेंगी। इस लेवल का आपको हार्नेस करना पड़ेगा अपने आप को कि आप मुश्किल होंगे ये मामला संभालना। इसलिए व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन एंड व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री एंड व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेट एंड व्हेन इट कम्स टू द रिफॉर्मेशन ऑफ अ नेशन, देन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज गिवन अस 3 बेसिक रूल्स एंड द प्रोसेस ऑफ दैट इज युज़क्की हिम वयुअल्लिमुहुम अल-किताब वल-हिक्मा, युज़क्की हिम तज़किया, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ डाइव, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रेक्टिफिकेशन। यू हैव टू गो इनसाइड योरसेल्फ कि वो डिस्क्रिपेंसियां जो इतने अरसे में अंदर आ चुकी हैं, आगे वल्नरेबिलिटीज यही बनेंगी, आगे साइकोपैथीज यही बनेंगी, आगे मामले खराब ये नफ्स नहीं करने, तो अगर आज अंदर झांक के उसको मुंह नहीं दिया तो वो मॉन्स्टर्स और बलाएं आगे जाके बड़ी हो जाएंगी। नेशन का यूनिफिकेशन डिस्टर्ब जब होता है
है, खानदान तब टूटते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तब चैप्टर 11 फाइल करती है जब उसके ये नफ्सियाती मसला है पहले। यूज़क की हिम, अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स भेजे, फर्स्ट थिंग दे डिड वाज कौमों का सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ एनालिसिस किया उन्होंने, अपने अंदर झांको कि अल्लाह ने तो बच्चा सही भेजा था, हमारे इर्द गिर्द की चीजों ने उसको क्या बनाया है, उसके प्रोज भी होंगे कॉन्स भी होंगे। यू हैव टू डू दैट, इफ नॉट तो ठीक है, अगर बगैर तस्किए के किसी को इल्म मिल जाए तो उसे शैतान कहते हैं, क्योंकि शैतान के पास इल्म तो था मगर तस्किया नहीं था। कद अफलहा मन ज़क्काहा, ही वाज़न्ट प्योरिफाइड, दैट्स व्हाई जब उसकी थोड़ी सी पोजीशन विगर हुई तो उसने बहुत बड़ा दावा कर दिया आगे से। एक तो अबाब अस्तकबरा कर दिया और ऊपर से कह दिया क़ाला रब्बी बिमा ग़वैतनी यू डिल्यूडेड मी, अल्लाह के ऊपर बात करती, आप लोगों की धड़कन अपने पोटेंशियल के साथ तब बनते हैं जब आप उन्हें कबूल करते हैं। तो सबसे बड़ा गम एक कौम बनने का ये होता है कि आपको अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग कुर्बान करनी पड़ती है कि मैं पंजाबी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं हाई क्लास हूँ, मैं आईवी लीग ग्रेजुएट हूँ, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, यहाँ मैं ओ लेवल्स का हूँ, वो मैट्रिक, ये सब कल्ट से आजाद, ये सब नफ्स का मसला है। तो अगर नफ्स छोटा होगा तो डाइवर्सिटी कैसे आएगी? अगर सबर नहीं है और यकीन है तब भी फेल, अगर यकीन है और सबर नहीं है तब भी फेल। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद तो काटनी है भैया एक्चुअलाइज होने के लिए, खामोशियां अपनानी पड़ेंगी उस लम्हे तक, उन लम्हात और लहजात तक पहुंचने के लिए। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट होंगे तभी आप देखिएगा दिस कॉस्मोलॉजी, दिस यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू, विल सी थिंग्स हैपनिंग, कीप स्ट्रगलिंग बट विद दीस टू एलिमेंट्स। अगर किसी स्टेशन के अंदर आपने इन पे कन्वीनियंस जोन ली, कॉम्प्रोमाइजेस किए, कंफर्ट जोन की तरफ गए और नफ्स हार गया वहां पर, यू नेवर नो कितना बड़ा ट्रेजर आगे वेट कर रहा होता। लंबा सफर है, लंबा सफर है। एक वक्त होता है, आखिरी जुमला कह के खत्म करता हूं, किसी नजरिए को वजूद ही नहीं मिलता, दुनिया में हजारों नजरिए बनते हैं जो अदम का शिकार हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है किसी नजरिए को वजूद में आना और फिर लिसान पर आना और लिसान से फिर कलम की शक्ल में आना, फिर वो नजरिया बका के जंग लड़ता है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ता है, वो भी इसने बर्दाश्त कर ली, बड़ी बात है। वरना कितनी ही आइडियोलॉजीज साहिल से समंदरों में पैर रखते हैं मगर समंदर जब अपने अपना हिलाता है अपना आप, तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे आ जाते हैं, क्योंकि दो बीमारियां नफ्सियात में किसी नजरिए में हो कि हामिलीन के डाउट्स एंड डिजायर्स, शक एंड शहवात, वो फिर ड्रॉप डाउन हो जाता, फिर वो नजरिया रिटेंशन की स्टेज में जाता है। और एक वक्त आता है जब उस नजरिए ने एक्सीलेंस की शक्ल इख्तियार करनी होती है, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर की, जहां वो एक्चुअलाइज होता है उस लेवल के ऊपर कि आप सोच नहीं सकते कि लोग कहेंगे यार ये लोग ये कर गए यहां पर, दिस इज द टाइम यू पीपल। और दूसरा तहम्मुल अपना है, कुछ हमारे करने का काम है आपके करने का नहीं, कुछ हमारे बड़ों का काम है हम उनके, इसलिए उनके जूतों का साइज आप समझ नहीं सकते, उसका प्रेशर नहीं समझ सकते, तहम्मुल अपनाएं, सबर करें, तो हम आपका वक्त आएगा। बस वो शय अला मौदे ही, पुट द थिंग्स एट द राइट प्लेस, औकातों को समझें, हैसियतों को समझें, बट लेट अस अकॉर्डिंग टू आवर डेवलपमेंट एंड लेट अस अकॉर्डिंग टू आवर रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू इट, जो सिर्फ क्योंकि महज किताबी हो जाना और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के बगैर किताबी होना ये भी बड़े फसाद का बस बन सकता है। अभी तुम्हारे इल्म में बड़ी ठोकरों से गुजरना है कुंदन बनने के लिए, उस जर्रे को पहाड़ बनने के लिए, उस आतिश को आतिशफिशां बनने के लिए, उस कतरे को समंदर बनने के लिए और उस कली को फूल बनने के लिए और उस बीज को पेड़ बनने के लिए। बेटा तूने बहुत आग से गुजरना है, तूने बहुत काट काटनी है, तूने जुबानों को टेप लगानी है, मुंह बंद करने हैं, चलते रहना है, क्रिटिसिज्म के बाप आगे आएंगे, तनकीद करना, तब्दीली की बात करना, मगर ये सख्त का वक्त है। अपने आप को तलाश कर बच्चे दुनिया के अंदर, फाइंड योर सेल्फ, फाइंड दैट ट्रू थिंग विद इन योर सेल्फ एंड देन कीप ऑन विद इट, और कंप्लेन ना कर, करता रहे बेटा, अपना आप डालता रहे, अपने बाजू डालता रहे, ये तेरा काम है करना, इसको कुंदन अल्लाह बनाएगा उसको, तू अपने आप डालता रहे बेटा, कंप्लेन ना कर। कही सुनी बात में जो गलतियां थी, कही सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी ही होंगी, अगर कोई हक बयान किया है वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।